गुजरे जमाने की अदाकारा मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। बेटे की उम्मीद में बैठे मास्टर अली बख्श अपनी तीसरी बेटी के जन्म से दुखी होकर बेटी को अनाथालय छोड़ाए। पत्नी प्रभावती देवी के आंसुओं ने बेटी को अनाथालय से घर लाया और उसका नाम रखा गया महजबी बानो, जो आगे चलकर मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई। 1939 में बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी को विजय भट्ट की लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। एक अभिनेत्री के रूप में मीना कुमारी को पहचान 1952 में बैजू बावरा फिल्म से मिली। 1952 में मीना कुमारी ने पहले से शादीशुदा फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली। 1962 मीना कुमारी के सिने कैरियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। फिल्म के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित की गई। यह फिल्मी फेयर के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां एक अभिनेत्री को फिल्म फेयर के लिए 3 नॉमिनेशन मिले थे। 1964 में कमल से शादी टूटने के बावजूद मीना ने पाकीजा फिल्म की शूटिंग जारी रखी। मीना कुमारी को खासकर दुखांत फिल्मों में इनकी यादगार भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। अभिनेत्री होने के साथ साथ मीना कुमारी एक उम्दा शायरा एवं पार्श्व गायिका भी थी। 1939 से 1972 तक इन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपना जादू चलाया। मीना कुमारी को 4 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। मीना कुमारी यदि अभिनेत्री नहीं होती तो शायर के रूप में अपनी पहचान बनाती। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, रहा देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये शब्द खुद मीना कुमारी की लिखी एक नज्म के हैं। कहते हैं मीना कुमारी पहली तारिका थी जिन्होंने बॉलीवुड में पराए मर्दों के बीच बैठकर शराब के प्याले पर प्याले गटके। मीना छोटी छोटी बोतलों में देसी विदेशी शराब भरकर पर्स में रखने लगी थी। जब मौका मिलता एक शीशी गटक लेती। फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। 28 मार्च 1972 को उन्हें बंबई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। लीवर कैंसर के कारण मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को दोपहर 3:25 पर 38 वर्ष की आयु में सदा के लिए अलविदा हो गई। मीना कुमारी की बड़ी बहन शमा, जिनका असली नाम खुर्शीद जूनियर, और छोटी बहन मधु, जिनका असली नाम बेबी माधुरी, वे भी फिल्म अभिनेत्री थी। शर्मिली मीना के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे कवित्री भी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी कविताएं छपवाने की कोशिश नहीं की। उनकी लिखी कुछ उर्दू की कविताएं नाज के नाम से बाद में छपी। तो ये थी मीना कुमारी अभिनेत्री के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अनेकों ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।